वीदा पीपल हम भारत के लोग में, जो भारत के अंदर 78 में बामसेफ बना था, उस बामसेफ के अभी जो बताते हैं लोग 26 के करीब टुकड़े तो बामसेफ के नाम से हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मान्यवर कासीराम जी ने तैयार किए थे, सीखे थे, और फिर उन्होंने सबने मान्यवर कासीराम जी को देखकर ऐसा जानकर कि अगर मान्यवर कासीराम जी एक बड़ी हस्ती बन सकते हैं तो हम भी उसी पैटर्न पे कैडर लगाएंगे, प्रशिक्षण देंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, समूह बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, तो हम भी मान्यवर कासीराम जैसा ही नाम कमाएंगे। नेचुरल है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सफल होता है या कोई दुकान सफल होती है या कोई कारोबार सफल होता है या कोई चीज़ सफल होती है या कोई इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा किसी कंपटीशन में सफल होता है तो उसका नकल का पैटर्न करता ही है। ये नेचुरल आदमी का एक तरीका होता है, और ख़ास तौर से जब जब आदमी की सोच भी नकल पे आधारित हो, यानी बंदर जितनी नकल कर सकता है उतनी नकल पे हो, उसकी अपनी अकल होती नहीं है, या ये कह सकते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो नकल करने का जो परिणाम है वो बेहतर नहीं आता। यानी कि जो ओरिजिनल जिसकी नकल करते हैं उसने तो अपनी अकल इस्तेमाल की है, मगर जो नकलची बंदर होते हैं वो कई बार उस तरह से अपना सर भी काट लेते हैं। जैसे नाई जब उस तरह से किसी के बाल बना रहा था, दाढ़ी बना रहा था, तो एक बंदर उसका उस तरह लेके भाग गया और उसने सोचा कि जैसे नाई बना रहा है वैसे ही मैं अपनी भी दाढ़ी बनाऊंगा, और उसने अपना सर और अपना पूरा गाल काट लिया। ये ऐसी स्थिति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इस बात पे निर्भर है कि परिणाम कैसे आए हैं। क्या जिस व्यक्ति की नकल की है वैसे ही परिणाम आए हैं, या परिणाम का पूरा बंटाधार हो गया है। बहुत सारे बामसेफ के कार्यकर्ता हैं, लगभग 20-25 साल से सभी तरह के बामसेफ या उनके जो लोग हैं या उनके हेड हैं, मैं उनके टच में हूँ, देखता रहता हूँ, देखने की जिज्ञासा है, क्योंकि धम्म को जानता हूँ, विपसना को जानता हूँ, मनोविज्ञान को जानता हूँ। भगवान बुद्ध की ये अनुकंपा रही है कि समझ आ जाता है चीज़ देख के, पोस्टर देख के, भाव देख के, हाव देख के। तो अक्सर जब बामसेफ का कोई कार्यकर्ता कहीं जाता है किसी व्यक्ति के पास सिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, विचार देने के लिए, या उसको अपने अधिवेशन में ले जाने के लिए मोटिवेट करता है, तो वो कहता है कि हम आपके पास आ रहे हैं। वो जाता है, वहाँ जाकर बैठता है, तो वो कहता है कि हम बामसेफ से आए हैं। सामने वाले व्यक्ति का सीधा सवाल होता है, कौन से बामसेफ से आए हैं? जैसे ही वो ये सवाल करता है, बामसेफ के कार्यकर्ता का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है, उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, उसकी निगाह नीची हो जाती है, उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ठीक ऐसे जैसे 6743 जातियों में जो जाति का नीचे का जाति मानी जाती है, जब किसी से ये पूछते हैं कि तेरी जाति क्या, उस समय जो हवाइयाँ उड़ती हैं वैसी ही हवाइयाँ ठीक तब उड़ती हैं जब पूछते हैं कौन सा बामसेफ। एक फिक्स सा एक आंसर बनाया हुआ है बामसेफ के कार्यकर्ताओं ने, बड़े हंस के कहते हैं, बड़ी झेंप सी होती है उनको, बड़े तरीके से कहते हैं, क्योंकि उनके जो टीचर हैं उन्होंने बताया है, अजी बामसेफ तो सारी एक ही हैं, बामसेफ तो बटी हुई है नहीं, सब एक बामसेफ हैं, एक ही बामसेफ होती है। तो वो जो जिसको सिखाने आए हैं वो बड़ा मनी मन में हंसता है, अगर वो जानता है तो, और नहीं जानता है तो वो पसंद करेगा भी नहीं। वो इसलिए हंसता है कि भाई अगर तुम्हारा बामसेफ एक ही है तो मेरा प्रश्न बेकार है, अगर तुम्हारा बामसेफ एक ही है तो इतने सारे प्रधान और प्रेसिडेंट क्यों हैं, तुम्हारा बामसेफ अगर एक ही है तो इतने सारे अलग 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 दड़वे क्यों हैं, क्योंकि एक बामसेफ का एक समूह है, वहाँ के एक प्रचारक हैं, वो बड़े ही शान से और बड़े ही गर्व से बार बार अपने भाषण में कहते हैं कि ये जो 6743 जातियाँ हैं ये दरअसल दड़वे हैं, दड़वे बाड़े हैं, बाड़े जानवरों के, इनमें बांधा हुआ है सबको बाड़ों में, और ये जानवर में एक मोहर लगाई हुई है जात की, और इनमें एक बाड़े से दूसरे बाड़े में जाने की इजाज़त नहीं है, आप जा नहीं सकते, इन बाड़ों को तोड़ो, इन जातियों को तोड़ो और आपस में लोग मिलो, तब आज़ादी होगी।
वो तो 6,743 बाड़े हैं, और वही जो नेता भाषण देता है उसने भी एक बाड़ा बनाया हुआ है, यानी जहां वो भाषण दे रहा है उस बाड़े का भी उसने एक नाम रखा हुआ है, अपने आप को विचारक कहता है। ऐसे ऐसे 10,000 बाड़े बताए जाते हैं जिनको संगठन बोलते हैं, धम्मिक लोगों के संगठन जो भगवान बुद्ध के नाम से धम्म चलाते हैं। मतलब शर्म की बात है कि धम्म में भी बाड़े हैं। जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन है उसमें बाड़े हैं, जो बाम सेफ के संगठन है 26 उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं उसमें बाड़े हैं, जो सामाजिक संगठन है उसमें बाड़े हैं, जो राजनीतिक संगठन है उसके बाड़े हैं, जो अन्य प्रकार के संगठन हैं दल बल सेना शक्ति पैंथर युवा ये सेना आर्मी चीफ कमांडर ये सारे के सारे बाड़े हैं। तो 10,000 बाड़े हैं। तो आप सोचिए कि किसी बाहर के व्यक्ति ने आपको जातियों में बाड़ों में बांटा 6,743 में, और आप उन जातियों को तोड़ने के लिए विचारक बने हुए हैं, प्रचारक बने हुए हैं, बड़े बुद्धिमान बड़े हुए हैं, कहते हैं कि बामसेफ हमारी माँ है, ऐसा इमोशनल सेंटेंस कहते हैं, और फिर दूसरा सेंटेंस नहीं कहते कि हमने अपनी माँ के 26 टुकड़े किए हुए हैं। मतलब हम विचारक हैं मगर हमारा विचार वहाँ काम नहीं करता जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि संगठित रहो। ये जो बाड़े हैं, ये बाड़े जो चलते हैं ये भक्ति में भी चलते हैं, यानी कि जो संत हैं और जो महापुरुष हैं उनके भी लोगों ने बाड़े बनाए हुए हैं। ये मेरा संत है, ये तेरा संत है, ये उसका संत है, ये उसका संत है। सारे संत जितने भी संत हैं उन्होंने कहा है कि आपको संगति करनी है, आपको पूरा का पूरा सत्संग करना है, एक साथ बैठना है, संगति में रहना है, संगत में रहना है। मगर वो सारे के सारे नियम का पालन कर रहे हैं मगर संगति का संगत का अर्थ नहीं समझे। संगत और संगति का मतलब है कि बिना भेदभाव के सबको एक साथ रहना है, और उन्होंने तो संत और महापुरुषों में ही भेदभाव कर दिया। ये तेरा संत है तो तेरा सत्संग हो गया, तेरी संगति होगी, तेरी संगत हो गई। ये मेरा संत है तो मेरी संगति हो गई, मेरा संगत हो गई, ये मेरा बाड़ा हो गया। मतलब महापुरुषों की तो पूरी की पूरी जितनी भी शिक्षा थी उसकी तो वाटी लगा दी, कोई मतलब ही नहीं है। और दावा इस बात का है कि ये मेरा महापुरुष है और मेरा महापुरुष है और मेरा महापुरुष है। मतलब महापुरुष भी बांट दिए, बुद्ध का जो धम्म है जो बुद्ध है वो भी बांट दिया, सरकारी कर्मचारी बांट दिए, बामसेफ जो बनाई थी इसलिए कि इस सबका एक समूह है वो बांट दिया। तो जब वो सिखाने के लिए जाता है कार्यकर्ता तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि सामने वाला जानता है कि तुम्हारे अधिवेशन अलग अलग होते हैं। सामने वाला एक बात और भी जानता है कि तुम लोग बार 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 जिक्र करते हो सारे के सारे कि हमारा एक दुश्मन है, हमारा एक दुश्मन है, हर हमारा एक दुश्मन है, मगर तुम ये कभी नहीं कहते कि हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब आप बाड़ों में बंधे हुए हो और किसी दूसरे के फंक्शन में जाने की बंदिश है, आप जा नहीं सकते। अगर आप किसी और की मीटिंग में या किसी और के कार्यक्रम में चले गए तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, नोटिस हो जाएगा, आपका जो ऊपर का आपका जो आका है जो आपको बांध के रखता है, जो आपको बंधुआ करके रखता है, वो आपको धमकाएगा, अरे तुझे इधर रहना है या उधर रहना है, तू वहाँ गया कैसे। मतलब जब आपका बाम सेफ एक है और विचार एक है तो कार्यकर्ताओं के आने जाने पर रोक क्यों है। सामने वाला जिसको सिखाते हो वो सब जानता है, सब समझता है। फिर आप उसको रोना रोते हो, देखो आरक्षण चला गया, देखो संविधान पे खतरा है, देखो दुश्मन हमारा ऐसे कर रहा है, देखो राज सत्ता चली गई, देखो हम गुलाम होने जा रहे हैं, हमारी फिर वही स्थिति होने वाली है कि हमारे आगे थूक के लिए घड़ा बंधेगा और पीछे झाड़ू बंधेगी। कितना इमोशनल करके आप डराते हो, इतना डराते हो, और फिर कहते हो कि आप क्या सहयोग करोगे, उससे सहयोग भी आप लेते हो मगर रिजल्ट नहीं बताते आप कभी। आपने कभी रिजल्ट नहीं बताया कि 78 से लेके अब तक कितनी चीज़ें जो बाबा साहब की चली गई आपके होते हुए वो आप रुकवा पाए, या जो आपके अधिकार और जो थे वो कितने बढ़वा पाए, और आपके होते सोते ये अधिकार डे बाय डे क्यों जा रहे हैं, जबकि हमारे जैसे कार्यकर्ता साधारण कार्यकर्ता आपको पैसा भी दे रहे हैं, आपको समय भी दे रहे हैं, आपके अधिवेशन में भी आ रहे हैं, आप जहां कहते हो वो बात मानते भी हैं। तो आप जब ये कहते हो कि सारे बाम से फेक हैं, विचार एक है, तो आप किसको बेवकूफ बनाते हो। सामने वाले को, वो तो बेचारा अपने पैसे दे के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देता है, मगर आप उसके पैसे लेके पाप में भागीदारी होते हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं होती।
क्योंकि संगठित होना बाबा साहब ने कहा है और आप संगठित होने का कार्य कर रहे हैं, मगर एक दूसरे के आप जानी दुश्मन हैं, जानी। ऐसे भी सीन आए हुए हैं कि जब आपस में आपने संगठन तोड़े हैं तो किसी आदमी को बंधक बना लिया, उस पर पहरे लगा दिए, कहीं आपने पुलिस लगा दी, कहीं आप में अपने संगठन के जो सीधे साधे लोग हैं उनका इस्तेमाल करके उनके हाथ में डंडे पकड़ा दिए। किसके खिलाफ? अपने ही समाज के आदमी के खिलाफ, अपने ही कार्यकर्ता के खिलाफ। आपने पोस्टर लगा दिए, आपने प्रचार कर दिया, आप उसको बदनाम कर रहे हैं। किस लिए? ताकि लोग इसको चंदा ना दें, इसको पैसा ना दें, मुझे चंदा दें, मुझे पैसा दें। भाई व्यापार कर रहे हो आप क्या? ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो सिखाने आ रहा है कार्यकर्ता वो कमीशन बेसिस पे आ रहा है, यानी कि जब वो पैसा आपसे लेता है तो उसका 60% अपनी जेब में रख लेता है जो पैसा आप देते हो, और 40% पैसा वो जमा करता है। ऐसी अस्पष्ट खबरें आ रही हैं, पुष्टि इसकी है मगर वो लोग करेंगे नहीं, इसलिए मैं अस्पष्ट इसको बोल रहा हूँ। जो लोग देते हैं अगर वो वेरीफाई करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि खबरें ऐसे ही नहीं आती, खासतौर से समण समाज की। तो ये जो बातें आप कहते हैं बार 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 कि बामसेफ हमारी माँ हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आपकी माँ के बहुत सारे टुकड़े आप जैसे लोगों ने ही किए हैं। इसको इमोशनल मत बनाइए। आप ये देखिए कि आपके जो संगठन हैं उस संगठन में आप कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं देते, जबकि वो कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं। मतलब कार्यकर्ता आपसे ज़्यादा समझदार है, जिसको आप समझाने जा रहे हो वो आपसे ज़्यादा समझदार है, इसलिए वो प्रश्न करता है कौन सी बामसेफ। तो वो ये कहता है कि आप बामसेफ को एक कीजिए। वैसे बामसेफ पूरे भारत के समण समाज का 0.5% भी नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे सरकारी संगठन हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जो कॉरपोरेशंस के हैं, जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे इससे ज़्यादा 10 गुना 20 गुना वो हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, इससे ज़्यादा मजदूर हैं, इससे ज़्यादा किसान हैं, बेबस लोग हैं, इसके अलावा धम्मिक लोग हैं, धम्मिक लोग बामसेफ में नहीं आते, इसके अलावा जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो बामसेफ में नहीं आते। मतलब बामसेफ बेशक कुछ भी कहे मगर रिप्रेजेंटेशन उसका बहुत कम है, मगर फिर भी इस बात में अच्छा है कि उसके पास एक विचार जो उन्होंने स्टार्ट किया था उस विचार की ताकत है, मगर वो ताकत तब ख़त्म हो गई जब खुद बामसेफ उस विचार पे नहीं चला। यानी वो विचार पैदा कर रहा है और उसको ये विचार नहीं है कि हमारे टूटने से, हमारे अलग होने से विचार की हत्या अपने आप ही हो जाती है। जब वो कहता है कि ये पूरा का पूरा जो बैकवर्ड है या जो माइनॉरिटी है या जो शेड्यूल कास्ट है, ये उन लोगों का एक फेडरेशन है, और वो जब फेडरेशन जो इसमें बामसेफ में एफ आता है जब उसको फेडरेशन कहता है, तो फेडरेशन की डेफिनेशन नहीं जानता। आपने तो फेडरेशन का एफ अलग कर दिया, ई अलग कर दिया, डी अलग कर दिया, टी अलग कर दिया, आई अलग कर दिया, आई ओ अलग कर दिया, मतलब सारे आपने अल्फ़ाबेट ही अलग कर दिए फेडरेशन के, आपके तो इतने सारे टुकड़े हो गए, कहाँ फेडरेशन रहा। बेहतर होता कि बामसेफ के पास एक बड़ा प्लान होता जिसमें वो सारे धार्मिक लोग, हर तरह के सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन लोग हैं उन सबको, जितने भी किसान मजदूर लोग हैं उन सबको अब तक अपने विचार में लेके आ चुका होता। मगर आप तो आपस में ही जो क्रांति कर रहे हो, बाहर क्रांति की जरूरत ही नहीं है। आपका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि मेरा बामसेफ दूसरे बामसेफ से कैसे आगे बढ़े, मेरा बामसेफ दूसरे बामसेफ से कैसे जीते, मेरे बामसेफ का अध्यक्ष दूसरे बामसेफ के अध्यक्ष को कैसे डाउन करे, मेरा कार्यकर्ता मेरे पास रहे दूसरे बामसेफ का विचार ना सुने। ये सबसे बड़ी हानि समाज में हुई है 78 के जब टूटने के बाद हुई है। आपको इतना समझ नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, आपसे ज़्यादा बेहतर जानकारी उस महिला को है जो अपने आसपास औरतों को इकट्ठा करके कहती है कि हमारा सबसे अच्छा काम ये है कि हम दूर की बात ना सोच के अपने पड़ोसी से बना के रखें, क्योंकि अगर हमारे बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी ही हमें बचाने आएगा। मतलब उसकी समझ बेहतर है, आपकी समझ बेहतर नहीं है। आप हमेशा क्या कहते हो? ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। इतने लंबे लंबे भाषण देते हो भाई। अगर आप अध्यक्ष हो तो क्या 3 घंटे का भाषण पिलाओगे? आप अगर चीफ गेस्ट बना दिए तो जरूरी है कि आपको लंबा भाषण देना ही देना है? मतलब आपको शॉर्ट में टाइम बचाना नहीं आता, आपको अपनी बात को कम शब्दों में कहना नहीं आता, लंबे लंबे भाषण पेलते हो, लोग बोर हो जाते हैं। और भाषण कहाँ ख़त्म होगा? ये हमारा दुश्मन है और ये हमारा दुश्मन है, आपने घोल घोल के दुश्मन बता दिया, हर एक बच्चे की जवान पे दुश्मन है। तो आप काम किसका कर रहे हो, दुश्मनों का या दोस्तों का? सारा काम आपने जीवन भर दुश्मन बताने में किया,
दोस्त बताने में काम नहीं किया आपने, आपको ये पता ही नहीं कि आपके दोस्त कौन से हैं, उनसे दोस्ती कैसे होती है। आपका कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं है, निगेटिव वर्क है। ठीक है, आपको अपने शत्रु की, अपने दुश्मन की पहचान करानी चाहिए, मगर दुश्मन की और शत्रु की पहचान कराने से दुश्मन और शत्रु अलर्ट होता है, और वो जितना ज़्यादा आप उसकी पहचान कराओगे उतना ज़्यादा अलर्ट होगा, उतना ज़्यादा अपनी शक्ति को ठीक करेगा। और जब आप दोस्तों की पहचान करने लायक नहीं है, या दोस्तों का जिक्र नहीं करते, या अपने ही दोस्तों को आप अलग अलग कर देते हैं, अपने ही दोस्तों में दुश्मनी पैदा करते हैं, आपको ये पता नहीं कि सरकारी कर्मचारी जो बाम से पर नहीं आता वो भी आपके समर समाज के दोस्त हैं, आपको ये पता ही नहीं कि जो धर्म के लोग हैं वो सारे आपके दोस्त हैं, आपको ये पता ही नहीं कि जो इकोनॉमिक में काम सेक्टर में करते हैं वो आपके दोस्त हैं, आपको ये पता ही नहीं कि ये छोटे मोटे जो 10,000 संगठन हैं ये आपके दोस्त हैं, इनसे बात करनी चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। बाकी जो आपके दुश्मन हैं उसने तो सारे संगठन इकट्ठे कर लिए, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव वर्क ज़्यादा कर रहा है, निगेटिव वर्क नहीं कर रहा। वो कभी नहीं कहता कि आप लोग दुश्मन हैं, वो कहता है कि देखो अलाइन कहाँ हो सकता है, अलाइंस कहाँ हो सकता है, कहाँ गठजोड़ हो सकता है, गठजोड़ पे ही चल रहा है पूरा देश। मगर आपको गठजोड़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। आपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने भाषण को कभी ये इस बात में लिया, एक सिंगल भाषण नहीं है कि हम अपने दोस्तों की पहचान करें, हमारे कौन कौन से दोस्त हैं। होना ये चाहिए कि आपको 3% एनर्जी इस बात में लगानी चाहिए कि आपका शत्रु कौन है, आपका दुश्मन कौन है, आपको हानि पहुंचाने वाला कौन है जो आपका अपोजिशन में है। और 97% आपको 97% एनर्जी इस बात में लगानी चाहिए, ये सिखाना चाहिए कि आपके दोस्त कौन से हैं, आपके कहां कहां ऐसे लोग हैं जो आपसे दोस्ती कर सकते हैं और आपको फायदा होगा। जितना आप दुश्मन के बारे में, शत्रु के बारे में बात करते हैं वो उतना ज़्यादा मजबूत होता जाता है, उसको दोस्ती करनी आती है। आप नहीं सीखे उससे कि उसको दोस्ती करनी आती है, वो दोस्ती क्यों कर रहा है। आप जिसको कहते हैं कि वो 3% है, 3% है, 3% है, वो 3% दोस्ती कर करके 60% और 70% हो जाता है। और आप 85% जिसको चिल्लाते हैं, आप आपस में ही लड़ लड़ के 3% रह जाते हैं। मतलब आपका एफर्मेटिव या आपका पॉजिटिव या आपका अच्छा काम में ध्यान नहीं है, आप वो निगेटिविटी सिखा रहे हैं, यानी कि आप जो सिखा रहे हैं घृणा ज़्यादा सिखा रहे हैं, आप प्यार कम सिखा रहे हैं। ये बेसिक नीति जो भगवान बुद्ध ने जिस पर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि उन्होंने 1% भी कहीं घृणा नहीं सिखाई, सारी उन्होंने प्यार सिखाया और वो जीत गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं कोई घृणा नहीं सिखाई, आपने उनके साहित्य से वो चीज़ उठाई जो चीज़ वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये चीज़ मेरे साथ ऐसे होती है और ये लोग परेशान करते हैं, आपने उसी का बखान करा और उसी से लोगों को डराया और उसी से लोगों को समझाया। बाबा साहब अम्बेडकर का वो सिद्धांत आप नहीं जान पाए जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ये कहा, संगठित रहो, संगठित रहो, संगठित रहो। मतलब कितने कमाल की बात है कि आप संगठित रहने की बात करते हैं और संगठित रहने का काम नहीं जानते, दोस्तों को जानते नहीं, दोस्तों को संगठित नहीं करते। ये जो हजारों संगठन हैं आज के समय, कभी कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसा प्लान आपके दिमाग में नहीं आया कि इनको संगठित किया जाए, इनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि संगठन शक्ति है। इसको कहते कहते आप थक जाते हैं मगर इसको अप्लाई नहीं करते, इसको जानते नहीं हैं। ये बात मान लीजिए आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप या पावर नहीं है, आप निगेटिविटी पर खड़े हुए हैं, विरोधाभास पर खड़े हुए हैं, और ये विरोधाभास इतना ज़्यादा, ये निगेटिविटी और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि आप दुश्मन 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 पढ़ाते पढ़ाते आपने अपने ही लोगों को दुश्मन कर दिया और उन्हीं से आप दुश्मनी निकाल रहे हैं। मतलब जिसको दुश्मन कह रहे हैं उसे लड़ने की बात तो चली गई, अब तो आपस में आपके संगठन लड़ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं, मैं प्रधान रहूँगा, मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात नहीं मानी, मेरे साथ ऐसा हुआ, संगठन के टुकड़े पे टुकड़े करते जा रहे हैं। और क्या सिखा रहे कार्यकर्ता को, इसका संगठन नहीं छोड़ना है, इसके प्रधान को नहीं छोड़ना है, इसका प्रधान कैसे ना कैसे डाउन होना चाहिए, तुम्हें दूसरे संगठन में नहीं जाना है, ये संगठन हमारा है, वो आदमी अच्छा नहीं है। भाई क्या कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या विचारधारा बनाई थी, क्या अपनी विचारधारा को खुद ही ख़त्म कर रहे हो आप? आपने विचारधारा बनाई थी ये हमारा बैकवर्ड का, शेड्यूल कास्ट का, माइनॉरिटी का फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन का मतलब होता है कि संगठित करना है, संगठन है, और उस फेडरेशन के आपने एफ अलग कर दिया, ई अलग कर दिया, डी अलग कर दिया, आर अलग कर दिया, टी अलग कर दिया, सारे अक्षर अलग अलग कर दिए,
26 टुकड़े तो वैसे बताए जाते, पता नहीं कितने टुकड़े कर दिए। होना यह चाहिए था कि आपको एक वाइड पॉलिसी बनानी चाहिए थी जिसमें महिलाएं सारी आती, देश की सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो आने चाहिए थे, जितने मजदूर हैं वो आने चाहिए थे, जितने शिक्षक हैं वो आने चाहिए थे, जितने प्रोफेसर हैं वो आने चाहिए थे, जितने इंस्टीट्यूशनल एरिया में हैं, चाहे वो फोर्ट्स के लोग हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं या साइंस के हैं, उन लोगों से घर भर जाना चाहिए था, उनसे दोस्ती होती, उनसे मैत्री होती, जितने धार्मिक लोग हैं वो सारे आते, जितने बच्चे हैं वो सब आते, उनका प्लान बनाना चाहिए था। और आपने प्लान क्या बनाया, मैं अध्यक्ष रहूं, संगठन टूटे तो टूट जाए। और कार्यकर्ता कैसे तैयार करे, जो संघ तोड़क के साथ रहते हैं, यानी संघ तोड़क दोष में दोष ही नहीं मानते, आप तोड़ने वाला जो संगठन है उसको भी मान्यता है और जिसका संगठन टूटा है उसको भी मान्यता है, यानी दोनों खुश हैं, किसी को अफसोस नहीं है। कार्यकर्ताओं का दिमाग आपने इस बात में लगा दिया कि उस संगठन से आपने ठीक नहीं था आदमी, ये ठीक नहीं था, जो मूल उद्देश्य विचार का था कि हमको एक साथ रहना है, वो कार्यकर्ता के दिमाग में भी नहीं आने दिया कि ये कर क्या रहे हो। तुम आपस में ही अगर टूटोगे और तुम कहानियां गढ़ोगे तो तुम 85% कहां, तुम तो 1% भी नहीं हो। ये बात कार्यकर्ता के दिमाग में ही नहीं आने दी, कार्यकर्ता को गुलाम बनाया, मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। बुलाया इसलिए था कि तेरे को जागृत करेंगे, तुझे जगाएंगे, और उसको मानसिक गुलाम बना दिया। कितना बड़ा मानसिक गुलाम बना दिया, इतना बड़ा मानसिक गुलाम बना दिया कि वो आपकी गलती को देख नहीं रहा। इतना बड़ा मानसिक गुलाम कमाल का बना दिया आपने, मतलब आपने अपना भक्त बना दिया उसे, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी। कहां उसकी सोच को बढ़ाना था और कहां वो आपसे प्रसन्न भी नहीं कर रहा है कि ये क्या किया आपने, हमको बुलाया था इकट्ठित होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, और हमको तोड़ दिया। कोई भारत का कार्यकर्ता किसी भी संगठन का नहीं चाहता कि संगठन टूटे, और कोई नेता नहीं चाहता कि संगठन आपस में इकट्ठे हों। ये वेल फैक्ट है, जाना हुआ सच है ये। इसलिए जो कार्यकर्ता इसका विरोध करता है, उस कार्यकर्ता को उसका नेता निकाल देता है, उस पर चार्ज लगा देता है, उसको परेशान करता है। यहां तक भी देखने के लिए आया है कि जब संगठन तोड़ने में किसी ने संगठन का विरोध किया है तो लठ लेके वहां लोग खड़े कर दिए गए, वहां उसको कमरे में बंद कर दिया गया, वहां पहरे बैठा दिए गए, उसकी पिटाई हुई, उसके खिलाफ पोस्टर लगाए गए। अगर किसी ने इस आवाज को उठाया है कि संगठन नहीं तोड़ने चाहिए, उनकी बेइज्जती की गई, उन पे लाछन लगाए गए, कह दिया ये विरोधी दल का आदमी है, पैसे खा गया, ऐसे किया वैसे किया, अरे सारी बात सच होंगी, मगर संगठन तोड़ने का अपराध तो सबसे बड़ा अपराध है, पुराने समय से, बुद्ध के समय से है। संघ तोड़क की माफी नहीं है, किसी भी कारण से संघ टूटे उसकी माफी नहीं है। तुम्हें टूटना है, जाओ जाके मर जाओ, संघ तोड़ने का क्या मतलब है। तुम संघ से ऊपर हो गए, तुम संगठन से ऊपर हो गए, तुम व्यक्ति में चले गए, तो संगठन का विचार कहां रहा, कहां महापुरुषों का विचार रहा। इसलिए हर कार्यकर्ता को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि यहां मानसिक गुलाम बनने आए हो या जागृत होने आए हो, जागने आए हो, यहां इकट्ठे होने आए हो या संगठनों में टूटने आए हो। और अगर किसी कार्यकर्ता में बोलने की समझ नहीं है, कहने की समझ नहीं है, तो यहां कर क्या रहे हो। जब तुम्हारी बोलती बंद है, जब तुम्हारा विचार बंद है, जब तुम्हारी आवाज बंद है, तो तुम जिसको दुश्मन बता रहे हो उससे जीतोगे कैसे। तुम्हारी तो आवाज बंद कर रखी है, तुम तो बोल नहीं सकते, तुम तो आपस में मिल नहीं सकते, तुम तो किसी संगठन में आ जा नहीं सकते। जब तुम इकट्ठे नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते, आ जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, तो मरे हुए लोग हो तुम, जागृत कहां हो। अगर जागृत होते तो ये संगठन टूटते क्यों, ये गुलामी आती क्यों, ये संविधान जाता क्यों, ये सारी चीजें खत्म क्यों होती, ये 2 के 4 और 4 के 8 और 8 के 16 के 32 के 64 के 128 के जो सारे के सारे संगठन बनते जा रहे हैं 10,000, ये क्यों बनते अगर तुम जागृत होते। तो कैसा कार्यकर्ता पैदा किया, मरा हुआ पैदा किया, वैचारिक नहीं किया, जिंदा नहीं पैदा किया, भक्त पैदा किया, गुलाम पैदा किया, बोलता नहीं है, या उसको खरीद लिया कि तू पैसा इकट्ठा करके ला, कुछ पैसा मैं तुझे दूंगा, कुछ मैं रखूंगा, तो वो अपने लालच में वहां पड़ा हुआ है, मतलब विचार खत्म है, लालची बना दिया। तो लालची आदमी आजादी नहीं पाते, लालची आदमी तो गुलाम ही रहते हैं। इसलिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सोच रहे हैं, सारे जितने भी भारत के 10,000 संगठन जो समर समाज के हैं, जिनकी वजह से आज हम गुलाम हैं, जिनकी वजह से 10,000 बाड़े हैं, जिनकी वजह से हमारे लोग मानसिक गुलाम होकर भक्त हो गए, जिनकी वजह से आज संविधान खत्म हो गया,
क्योंकि जब बच्चे इतिहास लिखेंगे तो वो लिखेंगे कि 10,000 संगठनों के ये नेता, ये मानसिक गुलाम थे, ये मिले हुए थे, इन्होंने आपस में मिलके कभी आवाज़ नहीं उठाई, ये संगठित हो कहते रहते थे मगर बाबा साहब का कत्ल करते थे, बाबा साहब की आइडियोलॉजी का कत्ल करते थे, बुद्ध के संघ के सिद्धांत का कत्ल करते थे, संतों और महापुरुषों की जो संगत थी उसका कत्ल करते थे। ये निहायत ही बेवकूफ़ लोग थे जिन्होंने बाबा साहब की लाई हुई मेहनत को बाबा साहब के नाम से ही, बाबा साहब के संगठन बनाकर ही ख़त्म किया। आप उसमें शामिल मत होइए, आप अगर समझदार हैं तो हट जाइए। अगर आप हट जाएंगे तो ये संगठन के नेता अगले दिन ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये संगठन के नेता बहुत ज़्यादा मौका परस्त हैं, आपको नई नई बातें सिखाएंगे कि अरे ऐसा होता है वैसा होता है, मगर आप इस बात पर अड़े रहना कि संगठन का मतलब संगठन होता है टूटना नहीं। अगर आपका कोई ईगो का वैल्यू है, आपको कोई प्रधानी चाहिए, तो आप निकलो यहाँ से, और वो नहीं निकलेंगे क्योंकि उनका मजबूत स्तंभ बना हुआ है, तो आप उनको छोड़ दीजिए। आप सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाइए, अगर आप 10:02 पे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये 10:03 पे सारे के सारे नेता इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनको भाषण देने की आदत है, इनको बीच की कुर्सी चाहिए, इनको माला चाहिए, इनको पोजीशन चाहिए, इनको प्रशंसा चाहिए, इनको सम्मान चाहिए, और इनको आगे भी बहुत कुछ चाहिए, ये उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, आप रह सकते हैं। इसलिए आप बराए मेहरबानी के इनको बोलिए, जानिए ये मानते हैं ठीक है, इकट्ठे होते ठीक हैं, वरना आप छोड़ दीजिए, और इसमें देरी मत कीजिए, क्योंकि ये आपातकाल है, ये आपातकाल है, ये इमरजेंसी है, सारे अधिकार जा चुके हैं, आप बचा सकते हैं अगर आप इनको छोड़ देंगे, आप बचा सकते हैं अगर आप इनको कहेंगे कि आप इकट्ठे हो जाइए, आप बचा सकते हैं अगर आप जागृत हो गए, आप मृत और भक्त कार्यकर्ता नहीं हैं बाबा साहब अम्बेडकर के और बुद्ध के तब। धन्यवाद।